मित्रों नमस्कार। अर्धांगिनी और नजर दिल्ली संपादक दीपक गुप्ता का आपको सबको हार्दिक अभिनंदन, आपका इस फेसबुक लाइव पर हार्दिक स्वागत। मित्रों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम कुछ ज्वलंत मुद्दों पर अक्सर बात करेंगे, आप लोग इस ज्वलंत मुद्दों के आधार पर दे भी सकते हो, हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल भी सकते हो, ताकि हम उस चीजों के आधार पर हर वो नए मुद्दे समाज के सामने उठाएं जो बहुत जरूरी है। अभी हाल ही में आपने देखा था कि अनाज मंडी फिल्मिस्तान के पास एक फैक्ट्री में आग लग गई, एक बिल्डिंग में आग लग गई। मित्रों, कितनी शर्मनाक घटना है कि दिल्ली के इतने पॉश इलाके में, इतने कंजेस्टेड इलाके के अंदर एक ही बिल्डिंग में हर फ्लोर पर फैक्ट्री और गोदाम सब एक साथ चल रहे हैं। एक तरफ तो हमारा सीलिंग डिपार्टमेंट इतना मुस्तैद है कि जहां पर भी इंडस्ट्रियल एरिया में भी फैक्ट्रियां चल रही हैं उसको भी बंद करने के लिए फौरन तैयार है। तालाबंद फैक्ट्री के आगे भी अगर पानी भरा हुआ तो उसका भी पॉल्यूशन का चालान काट के जा रहे हैं, जैसे कि आपने पीछे बवाना की खबरों में पढ़ा भी होगा। मित्रों, यह शर्मनाक घटना में इसलिए भी बोल रहा हूं, कितने कंजेस्टेड इलाके के अंदर फैक्ट्री चल रही है और किसी को भी कानों कान खबर नहीं है। क्या यह संभव है? क्या आपको लगता है कि इसके बीच में सारी एजेंसीज जो भी इससे कनेक्टेड हैं, क्या वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? फौरन 43 लोगों का मारा जाना ये क्या साबित करता है? क्या हम इस तरह की घटनाओं को रोक नहीं सकते? इस तरह की घटनाएं हो क्यों रही हैं? उस बिल्डिंग में एक भी फायर का इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा हुआ, एक भी सेफ्टी मेजरमेंट उस बिल्डिंग में नहीं है, आखिर क्यों? वहां से माल भी लोड होता होगा, ट्रैफिक वालों ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? वहां से बिजली के कनेक्शन भी बहुत ज्यादा सप्लाई में जाते होंगे, फैक्ट्री रेट पे जाते होंगे, तो वहां एनडीपीएल ने भी उसकी कंप्लेंट क्यों नहीं डाली? इतने बड़े हादसा होने के बाद उन तीन लोगों को गिरफ्तार करके 14 दिन के रिमांड पर लेना, क्या आपको लगता है ये उचित है? क्या उस जब वो काम चल रहा था उस क्षेत्र के अधिकारियों को, उस क्षेत्र के नुमाइंदों को भी रिमांड पर नहीं लेना चाहिए? क्या वहां के एमसीडी के अधिकारी रिमांड पर लेने की काम लेने नहीं चाहिए उनको? एमसीडी के भी अधिकारी, सरकारी एजेंसियां जितनी भी उससे कनेक्टेड होती हैं, यहां मैं किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूं, मरे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो भी एजेंसी उसमें इन्वॉल्व हो सकती है, ये इन्वॉल्व, क्योंकि एनजीटी देश की हमारे उसके पॉल्यूशन की जिम्मेदारी संभालती है। एमसीडी जो क्षेत्र से, हर क्षेत्र में एमसीडी का बेसिक कार्यक्रम होता है, क्या वो जिम्मेदार नहीं होती? जिसने उस बिल्डिंग को वहां चलने दिया जा रहा हो वो एजेंसियां जिम्मेदार नहीं है? आखिर ऐसा क्यों? क्यों बार बार जब भी ऐसे हादसे होते हैं, उस ऐसे हादसे होने में कुछ लोगों को पकड़कर मात्र जो मकान मालिक है, उस बिल्डिंग का मालिक है या उस बिल्डिंग का मैनेजर होगा, उसको पकड़ के हम अपने कर्तव्य की इतिश्री कर सकते हैं? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी उस क्षेत्र के नेतागण हैं, उन सब की भी कोई ना कोई सामाजिक ड्यूटी बननी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उनके लिए भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होना चाहिए। पब्लिक के नुमाइंदे हैं, लोगों की जान के लिए, क्योंकि जब बिल्डिंग बन रही है, पूरे देश के आंकड़े जानते हैं कि कोई भी बिल्डिंग बनती है, कोई
या कोई भी ऐसा काम होता है जो उस जगह पर नहीं होना होता मगर हो रहा होता है, तो बिना इसके सहयोग के वो कार्यक्रम नहीं होते। आखिर क्यों? आप एक गाड़ी खड़ी कर देते हैं गलत जगह पर, तो पार्किंग का आपके स्टिकर चिपका दिया जाता है। उस फिल्मिस्तान के एरिया की बात कर रहा हूं मैं, फिल्मिस्तान के एरिया में आप कहीं पे भी तो फौरन आपका स्टिकर चिपक जाता है, अगर वहां के आप दुकानदार या लैंडलॉर्ड या फैक्ट्री वाले नहीं है। तो आखिर पुलिस एक तरफ आम आदमी के लिए इतनी मुस्तैद है, मगर जब इतनी बड़ी कांड होते हैं तो एजेंसियां कहां जाती हैं? उन एजेंसीज के लिए मुस्तैद क्यों नहीं होते? उन एजेंसीज के ऊपर हम कोई भी क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लगाते? क्या उस एजेंसीज के लिए, क्या उन सब के लिए हम किसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? केवल मालिकों को? उन मालिकों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, उस फैक्ट्री को। और मगर ऐसे आप कितने सैकड़ों हाथ से देखिए जिसमें केवल और केवल फैक्ट्री में प्रदूषण हुआ, उठा के फैक्ट्री सील कर दी। एक फैक्ट्री सील होती है तो कितने लोग उसके साथ जुड़े, तो गलत है तो उसको लाइसेंस ही क्यों दिए जा रहे हैं? वो फैक्ट्री बनने ही क्यों दी जा रही है? जिस वक्त फैक्ट्री बनती है, जिस वक्त मकान बनता है, उस वक्त ही उसको बंद क्यों नहीं किया जाता? उस वक्त की एजेंसीज रिश्वत लेकर के उसको बनने क्यों देती है? हम आखिर राजधानी देश की राजधानी दिल्ली और हमारे यहां पर जितने कायदे कानून दिल्ली के बिगड़ते हैं, क्या उसके लिए अकेला एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है जो उसका मालिक है? दोस्तों आप सोचिए, सड़क के ऊपर एक कदम चलने की जगह नहीं है, फुटपाथ कवर हो चुके हैं। अभी पीछे सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी कि 15 दिन में फुटपाथ दिल्ली के खाली होने चाहिए। आप जानते हैं नतीजा क्या है? एक ऐसे नहीं है, हर बाजार को देख सकते हो, हर सड़क को देख सकते हो, मात्र 5 फुट की दुकान मगर 15 फुट सड़क को घेर रखा है, उसने सामान रखा हुआ है। आखिर वो कैसे होता है? क्या वो बिना सिविक एजेंसीज के ये संभव है? हम सिविक एजेंसीज की जिम्मेदारी कब रखेंगे? कब हम एक आम आदमी के अलावा पर तलवार लटकाएंगे? आखिर कब? कब तक हम केवल एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहेंगे? कब तक हम ये कहेंगे कि ये एमसीडी का, दिल्ली सरकार का क्षेत्र, ये केंद्र सरकार का क्षेत्र कौन सा है? हम दिल्ली में जो रह रहे हैं उनका क्षेत्र कौन सा है? उनके लिए आखिर कौन इन सब की देखभाल करेगा? इसका मतलब यह है कि दिल्ली में अगर आपके पैसे हैं, सिविक एजेंसीज आपकी हैं, पैसे नहीं है तो सिविक एजेंसीज भी आपके नहीं है। या तो सिर्फ फ्री में चले जाए दिल्ली, फ्री में होकर के अराजकता का शिकार बनती जा रही है। उधर सड़कों पर फुटपाथ दिन पर दिन कब्जा होते जा रहे हैं। कोई मार्केट ऐसी नहीं है जिसके दुकानदारों ने सड़कों पर अपना एनकोर्समेंट नहीं कर रखा हो। आखिर कब तक? मैं सारी सिविक एजेंसीज की मैं कह नहीं सकता, मगर मैं अपने पत्रकार बंधुओं से, अपने भाइयों से, मैं समाज के उन जागरूक नागरिकों से एक विनती करना चाहता हूं कि हम सभी लोग मिलकर के इन चीजों के खिलाफ आवाज उठाएं। अपने क्षेत्र की सड़कों की जो भी एनकोर्स है उनकी फोटो भेजें, हमारे YouTube चैनल दिल्ली समाचार पत्र के ऊपर भेजें, हम उसको प्रकाशित करेंगे और सिविक एजेंसीज को भी इसकी कॉपी भेजेंगे। आखिर लोग क्यों अभी सरकारों के, क्योंकि सरकारों में अब बारंबार हम टाल मटोल की नीति करवाते हैं, ये काम इसका नहीं है, ये उस एजेंसी का है, ये एमसीडी का नहीं है, ये बीजेपी का है, ये आम आदमी पार्टी का है, ये कांग्रेस का है, या फलाना पार्टी का है। आखिर कब तक हम इन चीजों से बाहर आएंगे? कब हम अपने दिल्ली को प्रेम करेंगे? कब सब हम दिल्ली को प्रेम करना शुरू करेंगे? कब हम चाहेंगे कि मेरी दिल्ली मेरी हो,
कि मेरी दिल्ली मैं ही संवारूं, ये शीला जी का जो एक डायलॉग था उसको हम कब चरितार्थ करेंगे। शीला जी ने कितनी बढ़िया लाइन लिखी थी कि मेरी दिल्ली मैं ही संवारूं, यानी कि हर व्यक्ति की इसमें उन्होंने भागीदारी सुनिश्चित की थी। हम सबको अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए कि आखिर कब हम अपनी दिल्ली को संवारने का काम करेंगे। आखिर इतनी गंदगी, हम पॉल्यूशन की बात करते हैं, कभी जाना कि हमने पॉल्यूशन है क्यों, ये इतनी छोटी छोटी कंजेस्टेड तंग गलियों में हम इतना कुछ चला रहे हैं। सड़क पर रेंगने की जगह नहीं है, ट्रैफिक चलने की जगह नहीं है, और जब ट्रैफिक 2 किलोमीटर की ट्रैफिक के अंदर आपको जब 20 मिनट 25 मिनट लगते हैं तो होता क्या, वही इंजन जलता है, वही तेल फूक, उसी से प्रदूषण की मात्रा बढ़ती चली जाती है। हम दोष देते हैं कभी कूड़ा जलाने को, कभी प्लास्टिक को, कभी पराली जलाने को, सब कुछ होगा, कैसे कंट्रोल करेंगे इसको हम, क्योंकि जब तक हम खुद इन चीजों के लिए शिक्षित नहीं होंगे, हमें खुद देखना पड़ेगा कि कमी कहां पर है, हमें खुद सड़कों पर कूड़ा फेंकने से परहेज करना पड़ेगा, हमें खुद गंदगी से परहेज करना पड़ेगा। जितने मैं उन सभी लोगों की भी बात करता हूं जितने इतने नॉर्म्स लेकर के काम कर रहे हैं, उन सबके पीछे ये हाथ धो के पड़ जाते हैं। मगर जहां पर पीछे कुछ समय पहले ललिता पार्क में बिल्डिंग ढह गई थी, काफी लोग उसमें भी मरे थे, उसके बाद भी हमने कहीं कोई भी इसका जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं कर रहे, आखिर क्यों, कब तक हम बचते रहेंगे। मैं पीतमपुरा के क्षेत्र में रहता हूं, इधर की तरफ भी देखिए परवाना रोड पे कबाड़ियों के ढेर लग गए। हम बोलते हैं तो कहते हैं कि आप फलानी पार्टी के हो, फलानी पार्टी के हो, या कबाड़ियों का ढेर इतनी पोश कॉलोनी की सड़क पर जो बैठ जाएंगे तो उसको पार्टी से क्यों तोड़ रहे हो, क्यों अपनी खुद की क्षेत्र की सुंदरता को आप खत्म कर रहे हो। चारों तरफ छोटी छोटी दुकानें लगाई जा रही हैं। तो मैं तो सरकार से सभी लोगों की राय जानते हुए एक बात कहना चाहूंगा कि क्यों ना हम इन सारे दुकानों को लीगलाइज कर दें, रेवेन्यू तो आएगा, उसकी बाउंड्री सेट कर दें कि इतनी बाउंड्री तुम्हारी रहेगी, इसके ऊपर तुम दुकान लगा सकते हो। कुछ तो इंप्लीमेंटेशन करना ही पड़ेगा। एक बिल्डिंग का जैसे कोई बंदा तोड़ता है, बनाने के लिए तोड़ता है, फौरन सारी सिविक एजेंसीज वहां पहुंच जाती हैं, फिर चाहे एमसीडी हो, डब्ल्यूडी हो, डीडीए हो, या कोई भी हो, आखिर क्यों, वो उसकी खबर फौरन पुलिस वालों को भी लग जाती है, क्यों, सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। आखिर हम कब तक इन चीजों को झेलते रहेंगे, कब हम मेरी दिल्ली को मेरी दिल्ली कहेंगे, मेरी दिल्ली मैं ही संवारूं, इस बात पर हम कब चलेंगे, क्यों नहीं हम अपनी दिल्ली को मेरी दिल्ली बनाती बनाने की कोशिश करते हैं। एक बात और साथियों कि जब हम अपना घर बनाते हैं कितनी सहेज कर उसको रखते हैं, 20 साल तक घर टूटता नहीं है, 4 साल तक तो उसमें पेंट कराने की भी पार्क की दीवारें भी देखते हैं तो हर 2 साल बाद बनानी पड़ जाती हैं, 3 साल बाद बनानी पड़ जाती हैं, हर साल बनानी पड़ जाती है, क्यों, सब जानते हैं। कब तक हम जो एक सपना था, सरकारों का सपना होता है जो उनके मैनिफेस्टो में होता है, मगर जब सरकार बनती है, आप एमसीडी को ले लीजिए, आप चाहे केजरीवाल सरकार को ले लीजिए, आखिर हम एक दूसरे पर दोषारोपण करके अपने आप को कब तक बचाएंगे, फिल्मिस्तान जैसे कांड आखिर हम कब तक दोहराएंगे, ललिता पार्क का कांड हुआ, फिल्मिस्तान का कांड हुआ, और डेली आप कहीं ना कहीं इस तरह की नरेला में अक्सर कांड हो रहे हैं, फैक्ट्रियां जल रही हैं, आखिर क्यों।
कब तक, एक बड़ा सवाल है। मेरा मेरे सभी साथियों से एक ही निवेदन है और मैं सबका साथ चाहूंगा कि हम इस मुहिम में आगे चलें और आज एक प्रण लें कि मेरी दिल्ली को केवल मैं ही संवारूं। और जो शीला जी ने आज से कितने साल पहले दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए RWS को गठन करते हुए एक डायलॉग मारा था, एक सभी लोगों को एक डायलॉग दिया था, एक सब लोगों को पहचान दी थी और सब लोगों को एक शब्द दिया था कि मेरी दिल्ली मैं ही संवारूं, कितना अच्छा शब्द था। आखिर उस शब्द के पीछे हम क्यों नहीं जा रहे, उस शब्द को हम क्यों भूल रहे हैं? उसको सरकार से मत तोलें, हम उसको अपनी फील महसूस करें, अपने उसको फील लें, अंदर फील करें कि कितनी अच्छी बात है कि मेरे दिल्ली मैं ही संभालूं। जितने पुराने रेजिडेंट्स हैं जो अपनी कोठियां बना रहे हैं, अपनी कारें बना रहे हैं, अपने बंगले बना रहे हैं, मगर उनके बाहर भी देखो 6-6 फुट का रैंप बना के रख लेते हैं। आखिर क्यों? क्या वो 6 फुट का रैंप और उसके बाद उनकी 8 फुट की गाड़ी वहां खड़ी है, 14 फुट एक एक बंगले ने कोठी वाले ने घेर के खड़ी कर ली है? क्यों? उसके बाद रेड़ी वाले खड़े हो गए, चलने के लिए जगह कहाँ है? हम बात करते हैं दिल्ली में कि ओडीवन लाएंगे, हम बात करते हैं दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने की, जाम मुक्त करने की, जाम कैसे मुक्त होगा? दोस्तों चंडीगढ़ की सड़कों पर जाइए, अब फर्राटा मारते हुए चंडीगढ़ की सड़कों से बाहर हो जाएंगे। क्या दिल्ली में एक भी सड़क ऐसी जिसमें फर्राटा मारते हुए आप बाहर हो जाए? नहीं पाएंगे। हमें देखना होगा, हमें जिम्मेदारियां सेट करनी होगी, पहले खुद की जिम्मेदारी सेट करनी होगी कि कम से कम हम कुछ भी ऐसा ना करें जिससे बहुत से लोगों को नुकसान हो, और कम से कम किसी की जान माल से खेलने का हमें कोई अधिकार नहीं है। हर चीज में हम सोच सकते हैं कि इस तरह की हरकतों को आखिर कब तक हम बर्दाश्त करेंगे। दोस्तों मैं आप सबसे फिर एक बार निवेदन करता हूं कि अपने आसपास अगर गंदगी के ढेर देखते हैं, अपने आसपास कुछ भी ऐसा देखते हैं जो आपको लगता है इलीगल हो रहा है, आपके आसपास गंदगी के ढेर दिख रहे हैं, आपके आसपास शौचालय बदबू मार रहे हैं, तो कृपया हम सब की जिम्मेदारी बनती है, सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इसके प्रति एकजुट हो जाएं। बहुत से लोग समाज के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे बहुत से मित्र हैं जो इस तरह की पोस्ट डालते रहते हैं, जो जागरूक हैं, उन सबको मैं एक बार धन्यवाद करता हूँ। ऐसे सभी सिविक एजेंसी भी बहुत से लोग ऐसे हैं, सिविक एजेंसी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाते हैं, उन सबको मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। परंतु मैं उन सबसे एक ही बात कहूंगा, मित्रों सिर्फ और सिर्फ अगर कोई ऐसा बड़ा हादसा होता है, अभी पीछे करोलबाग में कांड हुआ, होटल के अंदर कितने लोग मारे गए, जल गए, कब तक हम? तो मेरा उन सभी साथियों से निवेदन है कि कम से कम सेफ्टी मेजरमेंट के लिए हम कोई कोताही ना बरतें। एक एक इंसान की जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें हर एक की जान बचानी है। हम वैज्ञानिक युग में जो जब जा रहे हैं तो वैज्ञानिकता को आधार बनाते हुए हमें देखना है कि किसी की जान ना जाए। सिविक एजेंसीज जितनी मुस्तैद बहुत जगहों पर हैं, हर जगह पर उनको अपनी मुस्तैदी दिखाने की जरूरत है। अगर हम मुस्तैद होते हैं, अगर हम ये देखते हैं हम किसी पर्टिकुलर एक दूसरी सरकार पर ठीकरा नहीं फोड़ते, क्योंकि सामाजिक आदमी को किसी सरकार से सरोकार नहीं होता। सामाजिक आदमी सिर्फ समाज का काम करना जानता है, समाज का आदमी सिर्फ समाज के काम करना चाहता है, समाज का आदमी वो देखना दिखाना चाहता है, मकसद होता है मेरा समाज सुंदर बने, मेरा क्षेत्र सुंदर बने, मेरे क्षेत्र में कुछ भी गंदगी ना हो। कम से कम हम उन चीजों को देख सकते हैं, छोटी छोटी गलियों में जो फैक्ट्रियां हैं उनके ऊपर तुम बात कर सकते हैं कि आखिर क्यों है ऐसे पॉल्यूशन जिससे भी एक झटके में आग लगने का खतरा होता है, उसको तुम देख सकते हैं।